फिरोजाबाद में आज मल्टीप्लेक्स डीडी सिनेमा का शुभारंभ हो चुका है। यह डीडी सिनेमा आसाबाद स्थित भारत टॉकीज के नाम से अब जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम भारत डीडी सिनेमा के नाम से जाना जाएगा। आज पूरे भारत डीडी सिनेमा को दुल्हन की तरह सजाया गया था और ऑडी वन व ऑडी टू में दो फिल्मों का प्रसारण किया गया। इसमें कई फिल्म देखने आए दर्शकों ने फिल्मों का लुत्फ भी उठाया। वहीं टिकट काउंटर पर काफ़ी भीड़ देखी गई। फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर भी लोग अच्छी क्वालिटी, अच्छे साउंड के साथ फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। प्रेस क्लब के अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने भी लोगों से अपील की कि फिरोजाबाद में जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा बना है उसका पूर्णतः लुत्फ़ उठाएँ और यह भी ध्यान रखें कि किसी तरह की गंदगी यहाँ ना हो पाए, क्योंकि अगर हम अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं तो बाहर क्यों नहीं। फिरोजाबाद में आज मल्टीप्लेक्स का शुभारंभ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम लखनऊ, कानपुर, बरेली महानगरों में मल्टीप्लेक्स देखते थे, अब इस छोटे से शहर में, बहुत छोटी सी आबादी है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा इस समय पर कि अभी कोरोना गया नहीं है, थोड़ा सा लोगों को भी सावधानी बरतनी है। और हर उस चीज़ पर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इस शहर की फिज़ा बिगाड़ती है तो उस पर रोकथाम लगानी है। लोगों से भी एक आग्रह है कि वो इस खूबसूरती को देखें, इसको ख़राब नहीं करें। ये हमारे शहर के लिए एक अद्वितीय है, पिक्चर का मजा लें, बाकी सब चीज़ का आनंद लें। आज ये भारत टॉकीज के में ये सिनेमा घर का जो उद्घाटन हुआ है, इसकी इस नगर में बहुत आवश्यकता थी। विगत वर्षों में इस नगर में कई टॉकीज चलते थे, लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ बंद पड़े हुए थे। इससे साधन संपन्न विहीन लोगों को कहीं बैठने उठने और अपने मनोरंजन के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। भारत टॉकीज ने ये दो एक साथ थिएटर चालू करके इस कमी को अभी पूरा किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर द्वारा संपन्न हुआ है। विगत कोरोना के कारण ये टॉकीज काफ़ी दिन से बंद थी और अब ये शुरू हो गई है। इसमें दो ओडी हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, और दोनों ओडियों में क्रमशः सीटें भी काफ़ी कम कर दी गई हैं कोरोना को देखते हुए, और ये काफ़ी अच्छी बना दी गई है। इसमें सिनेमा कैफ़े का भी एक प्रोविज़न है, और इस तरीके से अब शहर के लोगों को इसकी टिकट भी काफ़ी कम रखी गई है, जिससे लोग आए और अपना मनोरंजन। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और KIA में आपका स्वागत है। फिरोजाबाद के लोगों को एक नई सौगात मिली है मल्टीप्लेक्स के रूप में, क्योंकि फिरोजाबाद के लोगों को अभी तक मूवी देखने के मल्टीप्लेक्स हॉल्स के लिए आगरा जाना पड़ता था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले भारत टॉकीज थी, अब इसको मल्टीप्लेक्स के रूप में नया एक रूप मिला है, और यहाँ अब भारत टॉकीज DD सिनेमा हो चुकी है। आज ही इसकी लॉन्चिंग हुई थी और यहाँ पर टिकट भी देखी है, अभी भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि चूँकि आज इसका शुभारम्भ हुआ था और जनपद फिरोजाबाद में मल्टीप्लेक्स के नाम पर कोई भी अभी तक। तो मैं आपको अपना भारत टॉकीज DD सिनेमा का आपको कैफ़े एरिया भी दिखाना चाहूँगा। देखिए, साफ़ सफाई के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती है, क्योंकि लोग फोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर कैफ़े एरिया भी बनाया गया है। और यहीं हमारे पास भारत टॉकीज के DD सिनेमा के मालिक जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल चौहान है। सर, यहाँ पर फिरोजाबाद के लोगों को अब क्या क्या मल्टीप्लेक्स के रूप में आप भारत टॉकीज DD सिनेमा सुविधाएं देगा? यहाँ पे जो है आपको पूरा, जैसे मल्टीप्लेक्स का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे हमारा दो स्क्रीन का, सबसे पहली बात, दो स्क्रीन का सिनेमा है, ठीक है, और यहाँ साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्था है, और प्लस आप अपनी फैमिली को लेके आप आराम से इजीली आ सकते हैं यहाँ पे, कोई किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमूमन तौर पर सर ये देखा जाता है कि लोग यहाँ के अपनी फैमिली या अपने सिस्टर्स या अपने मतलब जो भी कपल्स हैं वो नहीं आ सकते थे, तो हम उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे सिक्योरिटी की सुविधा है उनके लिए? आपने देखा होगा जब आपने एंट्री करी होगी, आपने देखा होगा यहाँ पर कम से कम 4 से 5 गार्ड प्रॉपर फ्रिस्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर का कुछ भी आउटसाइड एबल प्लस पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं हैं। तो आप अगर नॉर्मल किसी आम सिनेमा में सिंगल स्क्रीन में जाएंगे तो वहाँ पे तो कुछ भी लेके चले आते हैं अंदर, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए हम किस तरह से हाइजीन किए हुए हैं। हमारे यहाँ जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं वो हमारा खुद यहाँ पे इन हाउस बनता है, जैसे बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं बताना चाहूँगा आपको, इसमें ऑडी वन और ऑडी टू दो ऑडी हैं और तकरीबन 200-200 लोगों की सीट है यहाँ पर एंट्री के लिए। देखिए, यहाँ से चेकिंग करते हैं और आज उसका पहला दिन है और भीड़ भी आप देख सकते हैं। सर्च के द्वारा लोगों को सर्च किया जा रहा है, जो जिसके
के पास गुटखा तमाकू बीड़ी बंडल जो भी है वो यहीं पर बाहर निकाला जा रहा है। पूरी मल्टीप्लेक्स की सुविधा मिलेगी, आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ अंदर कितनी साफ़ सफाई है। और ऐसा नहीं है कि ये साफ़ सफाई अभी रहेगी, ये साफ़ सफाई बरकरार रहेगी। काफ़ी सिक्योरिटी भी यहाँ पर अब लगा दी जाएगी जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। पर सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं यहाँ पर, जो जितने भी यहाँ पर दर्शक आएंगे उनके लिए काफ़ी सुविधा रखते हुए सीटों को बनाया गया है। वहीं एक बार फिर मैं बात करना चाहूँगा स्टॉकेज के मालिक से। सर, ये पर्दा जो यहाँ पर लगाया गया है इसकी क्या लेंथ है? लगभग इसकी जो लेंथ है ये 38 फीट है और हाइट है इसकी 18 फीट। और यहाँ जो सीट्स हैं कितनी आरामदायक हैं लोगों को? और पूरी पुशबैक सीटें लगी हुई हैं और टोटल सीटिंग कैपेसिटी हमारी 186 है इस ऑडी की, ऑडी 2 की, और ऊपर ऑडी 1 है जिसकी जो है कैपेसिटी है 190। जाता है जो मल्टीप्लेक्स अदर हैं उनसे काफ़ी सस्ता है और लोगों को आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके फिरोज़ाबाद में ही भारत टॉकीज डीडी सिनेमा खुल चुका है मल्टीप्लेक्स के रूप में। जी भाई। कैमरामैन शैलेश झा के साथ दिव्यांशु कुलशेष, KIA फिरोज़ाबाद।